एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है कि जी जो स्त्री की तरफ आकर्षण होता है उससे कैसे बचें। अक्सर देखा गया है और देखा जाता है जो भी थोड़ा सा ब्रह्मचर्य अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं उनके लिए सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो यही होती है सेक्सुअलिटी और फीमेल अट्रैक्शन। यानी कि कोई ध्यान लगाने का प्रयास करेगा तो ऐसे फीमेल्स के विचार आते हैं, सेक्सुअल थॉट आते हैं, और जो ब्रह्मचर्य का प्रयास कर रहे हैं, नो फैप का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसी दिक्कत होती है। अब यहाँ पर इंसान बड़ी दुविधा में फंस जाता है कि जी क्या करें। स्त्री एक रास्ते का रुकावट मालूम होती है, एक वैरियर मालूम होती है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि कैसे बचें। तो इससे पहले प्रश्न ये उठता है कि क्यों बचना है स्त्री से। देखिए दोस्तों आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। एक रास्ते पे एक खिड़की है, वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, आम ठीक नॉर्मली लोग गुजर रहे हैं। बट अब वहाँ पे किसी ने एक तख्त लटका दिया कि इस खिड़की की तरफ देखना सख्त मना है। अब क्या होगा, अब देखो अब होगा क्या दोस्तों। पहले तो लोगों का ध्यान भी नहीं था, बट जैसे ही वहाँ पे वो तख्त लगा अब लोग देख रहे हैं उस खिड़की के भीतर क्या है। हालांकि कुछ भी नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिकल मैटर है। अब और प्यास बढ़ गई, पता नहीं क्या होगा। जब आप स्त्री के प्रति एक अंदर एक रुकावट डाल देते हो ना कि स्त्री तुम मेरे रास्ते की बाधा है, ये है वो है दोस्तों, फिर उसके लिए आकर्षण बढ़ जाता है। चीज को ध्यान से समझना, करना क्या दोस्तों, हमें सहज रूप से स्वीकार करना है। अपने पहले ही मन में एक इमेज बना ली कि स्त्री मेरे लिए बाधा है। क्या स्त्री बाधा है, आप एक ही समझो, स्त्री की तरफ आकर्षण एक प्राकृतिक का आकर्षण है दोस्तों। अगर वो ना होता तो हम सब पैदा कैसे होते, ये संसार चलता कैसे। अगर इंसान के भीतर तो सेक्सुअलिटी की वो प्यास ना होती, स्त्री की तरफ आकर्षण ना होता, वो सिर्फ ये इंसान में ही नहीं है, जानवरों में भी नर मादा की तरफ अट्रैक्ट होता है, मादा नर की तरफ अट्रैक्ट होती है, जो सृष्टि का नियम है। आप इसके विरुद्ध चलकर कैसे ब्रह्मचर्य को प्राप्त होगे। यहाँ पे दोस्तों मैं चीज़ कहना चाहता हूँ वो है कि अंदर से पहले, सबसे पहले स्त्री को सहज रूप से स्वीकार करो कि कोई बात नहीं, प्रकृति का नियम है। क्या होगा अगर किसी अट्रैक्शन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है। इसी में एक आपको बहुत ही छोटी सी कहानी बहुत ही डीप है और समझाता हूँ। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं सिगमंड फ्रायड। एक बार वो घूम रहे थे पार्क में, शाम का समय था और अपने बच्चे के साथ, एक छोटा सा बच्चा था और इसकी वाइफ थी, घूम रहे थे। और घूमते घूमते दोनों पति पत्नी बातों में मग्न हो गए और चलते चलते जैसे ही पार्क से बाहर गए ना, उन्होंने देखा कि बच्चा उनके साथ नहीं है। अब परेशान होगी वो, जो उसकी वाइफ है वो पति के ऊपर गुस्सा हो रही है, जो दार्शनिक थे कि तुम ख्याल नहीं रखते, अब इतनी बड़ी पार्क में कैसे ढूंढेंगे बच्चे को, मिलेगा नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शांत हो जाओ, पहले ये बताओ कि आपने कहीं पर बच्चों को जाने के लिए मना किया था। उसने थोड़ा सोचा कि उन्होंने कहा हाँ मैंने वहाँ पर जो पानी की झील चल रही थी वहाँ जाने को मना किया था। और सबसे पहले वो दार्शनिक वहीं पर गए, देखा क्या गया कि वहाँ पर छोटा सा बच्चा आराम से पानी में पैर डुबो कर बैठे हुए मस्ती से। अब पत्नी हैरान, कितनी बड़ी पार्क थी, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि बच्चा यहीं पर मिलेगा। सीधी सी साइकोलॉजी है, हमारा मन भी बच्चों की तरह काम करता है, बच्चे वैसे ही काम करते हैं। जहाँ पर हमें वर्जित किया जाता है उसकी तरफ आकर्षण बढ़ जाता है ना। अगर हाँ आप बच्चे को चॉकलेट दिखाकर फ्रिज में रख दो और बोल दो कि ये खानी नहीं है अभी, तो ना बच्चे को हर जगह चॉकलेट ही मालूम होगी, उसको बोलो पढ़ो, उसका ध्यान चॉकलेट की तरफ ही जाएगा। जो चीज़ वर्जित हो जाती है दोस्तों उसकी वैल्यू बढ़ जाती है मन में। दोस्तों किसी चीज़ को ना इतना देखो, किस चीज़ को अपने वर्जित कर दिया, इसका अर्थ है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। किसी चीज़ को ऐसे पुश नहीं करना है, उसको समझना है दोस्तों। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी धक्के से ब्रह्मचर्य का जीवन में जन्म नहीं होता है। समझो, मन के साथ बैठो, खुद को समझो दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि जाओ है ना और सीधा लड़कियों की तरफ ऐसे ऐसे आप उनकी तरफ ज़्यादा उनमें मगन हो जाओ, ऐसा नहीं दोस्तों। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को समझो, यही है माध्यम है दोस्तों। समझ ही एक माध्यम है अध्यात्म का, समझ ही एक माध्यम है ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने का। ब्रह्मचर्य समझ से ही प्राप्त होगा। एक चीज़ आप और आपको बताता हूँ, आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको एक सुंदरी स्त्री नजर आई, आपको तभी ब्रह्मचर्य याद आ गया कि मैं तो ब्रह्मचर्य पथ पे हूँ। आपने कहा कि मुझे इस स्त्री को देखना नहीं है, अब देखना दोस्तों अब स्त्री की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी आपके लिए। अब आप ना चाह के उस स्त्री की तरफ देखोगे, मन बहुत ज़्यादा उसकी तरफ एक प्यास बढ़ जाएगी। दोस्तों सहज रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, क्या होगा, स्त्री तो है जिसने फूलों को बनाया, जिसने इस आसमान को बनाया, जिसने खूबसूरत पेड़ पौधों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, उसने स्त्री को तो बनाया, देखो और आगे बढ़ जाओ। उसको जरूरी थोड़ी ना कि आपको सेक्सुअलिटी नज़र से ही देखना है, एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपके भीतर सहजता का जन्म ले, खुद को पुश करके एक बिल
कहते हैं ना टफ जिंदगी, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, एक डिप्रेशन तनाव बोझिल जिंदगी मत बनाओ। ठीक है, सहज रहो दोस्तों, हल्के रहो। स्त्री को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे देनी है कि बहुत बड़ा पहाड़ है वो, उसकी तरफ अभर्जित हो जाओगे तो स्त्री आपके लिए पहाड़ बन जाएगी। उसको सहज रूप से स्वीकार कर, कोई बात नहीं, स्त्री तो है, जैसे मैं हूँ वैसी स्त्री है, जैसे मेरे अंदर प्यास है परमात्मा को मिलने की, उसकी भी प्यास है परमात्मा को मिलने की, उसकी आत्मा तड़फ रही है। कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं, एक सिर्फ एक बायोलॉजिकल फ़र्क है। जब हम बहुत बड़ा एक गैप पैदा कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी प्यास बढ़ जाती है। तो दोस्तों उसको सहज नजर से देखो कि वो बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, जितना समझ पैदा करोगे उतनी ये कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे उतनी सहज हो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग बताना कौन सी विषय पर बात करें। प्रणाम।